वेद जोचियास आरिफ जान नॉर्थ की कप ने टॉस जीता है एंड कैप्टन से पूछेंगे टॉस जीते हैं पहले बैटिंग करेंगे या बॉलिंग। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम पहले बैटिंग करेंगे। क्या टारगेट जेन में रखा हुआ है 2020 का मैच है? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके 180-190 तक इंशाल्लाह। और माशाल्लाह इस ग्राउंड के आप खुद इसी ग्राउंड में खेलते आ रहे हैं और मैचेस भी खेलेंगे, आपने अपना ग्राउंड है, इसमें हाईएस्ट स्कोर कितना लगा होगा 20 के अंदर? जी इस तरह के यहाँ भी ये पिछला ये जो टूर्नामेंट चल रहा था हम लोगों का, इसमें भी ज्यादा से ज्यादा स्कोर हुआ था, 200+ भी हो चुके थे। और अब भी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, यहाँ इस तरह के बाउंड्री भी छोटे हैं और आउटफील्ड भी काफी तेज है और रन हो सकता है यहाँ पे। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। कितनी खुशी हुई सिंध से जो टीम शाह भिटाई क्रिकेट क्लब कंडियारो यहाँ पहुंची है? माशाल्लाह बहुत खुशी हुई और उनका भी थैंक्सफुल है कि वो आके हम लोगों को टाइम दिया और हमारे साथ खेल रहे हैं और एंजॉय करते हैं, देखते हैं कि किस तरह होगा मैच। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। उस्ताद लियाकत पोलो की तरफ चलते हैं। उस्ताद लियाकत पोलो, अगर आप टॉस जीते तो पहले बैटिंग पे आते हैं या बॉलिंग पे? हम बॉलिंग पर आते हैं क्योंकि हमारे लिए ये फर्स्ट टाइम है और ग्राउंड भी इतना माना हमारे उसमें नहीं है, पर हम बॉलिंग पे फर्स्ट आते हैं ताकि देखते हैं कि टीम अभी कितना टारगेट देती है। तो उस लिहाज से हमारी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है, माशाल्लाह बॉलिंग भी अच्छी है, फील्डिंग भी। कोशिश करेंगे कि 170 से ऊपर जाने दें, अगर प्लस बन भी गया तो इंशाल्लाह चेस करेंगे। और उस्ताद लियाकत पोलो माशाल्लाह 3 मैच लगातार खेलते आ रहे, उससे पहले जो 3 मैच खेले उसमें ऐसा ग्रोथ मिला या सिर्फ नौशकी का एक अच्छा ग्रोथ मिला आपको? नहीं, कलात का सवाई और बाकी जो खुशदार के ग्राउंड था उसमें थोड़ा सा माना मसला था फील्डिंग के लिए, विकेट बहुत अच्छी थी वहाँ की, वो उन्होंने जो इंतजाम किया था माशाल्लाह वो तो भूलने जैसा नहीं है और उनके हम नहायत शुक्रगुजार हैं। और ताहिर बाबा ने जितनी खिदमत की और बाबा खलील ने जो हमारे साथ बहुत ज्यादा घूमे, उनके लिए कुछ मैसेज? बिल्कुल, उनके हम नहायत शुक्रगुजार हैं। उनके ये जो टूर्स होते हैं, ये मैचेस होती हैं, ये हमेशा याद रखने वाली चीज़ें होती हैं, इसी से ही भाईचारा बढ़ता है। क्योंकि ये टीम हमारे पास पिछले साल आई थी, ये उसी की बदौलत है, ये उनकी मोहब्बतें हैं जो उन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया है। और ये यादगार लम्हात होते हैं ज़िंदगी के, ये कभी नहीं आते हैं, जो भी हम यहाँ पर खड़े हैं तो ये कल नहीं होंगे। तो इसलिए मेरा यही मैसेज है, हम ये भाईचारे के लिए आए बलूचिस्तान, अपनी दोस्ती को मजबूत करने आए। और इंशाअल्लाह ताला ये क्रिकेट तो एक ऐसा बहाना होता है, हम सफ़ीर होते हैं अपने अपने ज़िलों के, अपने अपने वतन के लिए जो खेलते हैं। तो हम सुबह सिंध की इस वक्त क़यादत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी फाइट करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैच जीतें। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी उस्ताद लियाकत। कुछ अपनी टीम के लिए या एजाज अहमद कुछ एक दो लफ्ज यहाँ पे, जैसे कल पहुंचे तो यहाँ पे एजाज अहमद और नासिर भाई दोनों यहाँ पे खड़े थे। जैसे ही सर्दियां यहाँ पे शुरू हो तो एजाज अहमद को दावत देंगे आप अपने शहर कंडियारे में? कोशिश करेंगे कि अपने जिले की जितनी भी अच्छी टीमें हैं उनसे इनके अच्छे सीरीज मैच कराएंगे और कंडियारों में रखेंगे और सब पे और वो पूरी दुनिया को लाइव दिखाएंगे। थैंक यू। यहाँ पे अगर उस्ताद लियाकत जिस तरह कह रहे हैं कि इंशाल्लाह सर्दियों में दावत देंगे एजाज अहमद को, नासिर भाई को और पूरी टीम को, तो आपको दावत कबूल है? इंशाल्लाह जरूर कबूल हो। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। बता दी चले दोस्तों, आरिफ जान और शाहबिताई क्रिकेट क्लब के दरमियान टॉस हो चुका है। आरिफ जान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, फील्डिंग में है सिंध हीरोज की टीम शाहबिताई क्रिकेट क्लब कंडियारो। आसिफ कैमरामैन जो कंडियारो क्रिकेट क्लब पेंच पर मैच चला रहे, आप सब दोस्त देखे और शेयर करते चले।